ज्यादा प्यारी लग रही हैं दोनों। अब यहाँ पे दुल्हन का फोटो शूट हो रहा है गाइस। हेलो गाइस, तो आज है शादी हमारी दीदी की, तो आज हम लोग शादी में भी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस। सुबह से रस्क मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी आज, जब वो सारे रिचुअल्स हो रहे थे सुबह में तो मैं भी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। और देखिए फिर आगे ये हमारी प्यारी प्यारी छोटी बहन गाइस, एंड हियर कम्स द ब्राइड। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मैंने स्टार्टर में स्टार्ट किया है चाउमीन के साथ गाइस, तुम सभी खा रहे हैं अभी चाउमीन। देखे तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, टेस्टी होगा अभी। यहाँ पे जलेबी और राबड़ी मिल रही है और यहाँ पे चाट मिल रही है गाइस, तो मैं चाट खाऊंगी। ये रहा मेरा चाट गाइस, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड छोला गाइज। यहाँ पे पापड़ी चाट मिल रही थी, एंड हियर इज लिट्टी चाट, और ये है मोमोज। तभी मैं मोमोज लूँगी, तो हियर इज आर मोमोज, एंड हियर इज माई फेवरेट गोल गप्पा, वेयर माई सिस्टर्स आर इन्जॉइंग दिस गोल गप्पा। अब मेन कोर्स के लिए मैं आ गई हूँ। ये देखिए क्यूट लिटिल बर्ड्स विच आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स, एंड हियर आर सो मैनी सैलड्स। दीदी सैलेड लेते हुए बच्चन चिकन। तो यहाँ टेबल पे सभी लोग खा रहे हैं और मैं भी इन लोगों को ज्वाइन की हूँ अभी। हेयर इज आइसक्रीम। आज हम लोगों ने खाना खा लिया और ये अभी खाने में ही लगी हुई है गाइस। सो दिस इज कोल्ड ड्रिंक सेक्शन गाइस, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। मैं कोको कोला लूँगी, एंड हियर इज माय कोल्ड ड्रिंक, एंड हियर कम्स माय कॉफ़ी, अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी। एंड हियर इज दिस इज माय सेकंड आइसक्रीम विथ माय पेरेंट्स। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है आज मेरी मम्मी। मीट माई फूफा। सो फूफा मज़ा आ रहा है ना, और फूफा आपको बहुत काफ़ी प्यारी लग रहे हैं आप लोग। मेरी मम्मी अपने ग्रुप के साथ बिजी हो गई, तो मैं भी जा रही हूँ अपने ग्रुप के साथ बिजी हो जाने, और मेरा ग्रुप हमेशा मेरे से छोटों के साथ होता है। सो हेयर इज माई ग्रुप गाइज। हेलो गाइज, हेलो गाइज, मज़ा आ रहा है। इधर मंडप भी तैयार हो चुका है शादी के लिए, काफ़ी सुंदर डेकोरेशन है मंडप का, और पंडित जी भी आ चुके हैं, और यहीं पे शादी होगी गई। तो मुस्कान दीदी अभी क्या क्या होने वाला है ज़रा बताइए। अभी बहुत अच्छे सिंगर हैं अभिषेक जी, मस्त गाना गा रहे हैं। बारात आने वाली है और हम सब साड़ियाँ तैयार हैं जीजा जी का जूता चुराने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी लड़की के शादी में जूता चुराना होता है, मतलब हम मदद करने वाले हैं एज अ सपोर्टर। शादी तो भाई एक ही है स्वीटी। हाँ ये तो बिल्कुल, बने रही हमारे साथ। गाइस यहाँ पे फोटो शूट चल रहा था और ये बंदर दौड़ते हुए यहाँ पे आई फोटो क्लिक कराने के लिए। इसकी ड्रेस देखिए आज कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। तो सिमी जी आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत ही ट्राई करती हूँ, चाहे वो काम हो जाए।
सुनाइए हमारे मेरे लिए. सो तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू मुस्कान, तू मासूम तू शैतान, ओ आई लव यू मुस्कान. गाइज यू नो अभी मुझे पता चला कि इस पीयू की बर्थडे मेरी और मेरी बर्थडे एक ही डे पे है, वो है 4 December. Yes. अभी जस्ट मैं पूछी इन लोगों से कि तुम लोगों का बर्थडे कब है, बर्थडे से रिलेटेड सॉन्ग ये लोग आ रही थी तो मुझे याद आया कि ये लोग का बर्थडे पूछती हूँ. तो आई वाज शॉक्ड कि हम दोनों का बर्थडे 4 December को है गाइस. तो स्वीटी दी आपकी बहन की शादी है तो आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है जी? बहुत ज़्यादा अच्छा और उससे भी ज़्यादा बुरा, इमोशनल थोड़ा सा ज़्यादा कह सकती हूँ, क्योंकि ठीक है दीदी जा रही है. हाँ चली जाएगी पर झगड़ा बहुत होता है यार हमारा. अच्छा तो एक तरह से छुटकारा भी मिल रहा है ना? वो पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा. छुटकारा मिलना पॉसिबल नहीं है. क्योंकि बिना झगड़े हम लोग नहीं रह सकते. झगड़ा कंपलसरी. ये तो हर भाई बहन की कहानी है गाइस. मेरी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है मेरे भाई बहन से, बट हाँ प्यार भी उतना ही होता है सभी. वो में तो है. तब जा रही है तो बुरा भी तो उतना ही लग रहा है ना? सबसे ज़्यादा रोने वाले ऐसा फील हो रहा है क्योंकि उसके कुछ कुछ जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं हल्दी के उसमें ही पूरा इमोशनल इमोशनल सा फील हो रहा है. और आपका चेहरा देख के लग रहा है आप अभी रोएंगे. थोड़ा सा तो बोल के लगता है, मतलब सोचते सोचते सा लगता है कि हाँ हाँ एक प्रॉपर अभी है हमारी और चली जाएगी. वैसा अच्छा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं, पर ठीक है जाना तो है ही. आपको भगाना ही है. भगा तो रहे हैं तुम लोग. नहीं हम आपको कहाँ भगा रहे हैं. तो सजेशन देते हैं सबको कि शादी मत करो. मुस्कान दीदी आपको सजेशन दिए कि नहीं अभी तक? हाँ बिल्कुल. हम सबको सजेशन देते हैं शादी मत करो, पर ये सजेशन हमारे इधर वैलिड ही नहीं है. शादी करके क्या मिलेगा? दूसरे के यहाँ जाकर के काम करो, उसके ऊपर ताना सुनो. और द नेक्स्ट प्रोग्राम इज मुस्कान दीदी शादी. एंड दी अनदर छोटी मुस्कान इज सो मच एक्साइटेड फॉर अटेंडिंग बड़ी मुस्कान शादी. अटेंडिंग माई दीदी शादी. आई एम रियली एक्साइटेड. बात है जब कृति दीदी पटना शिफ्ट हो रही थी अच्छे टाइम, मतलब हमको जहाँ तक याद है 12th से स्वीटी और कृति दीदी दोनों साथ में थे एक रूम में. आए दिन छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे खाना झाड़ू इधर उधर के बात को लेकर के. जब दीदी पटना शिफ्ट हो रही थी, दीदी पटना ही जा रही है, वो घर आ सकती है, ये जब चाहे वो जा सकती है, लेकिन इसका हाल उस रात इतना बुरा था अगले दिन दीदी के ट्रेन पे चढ़ने से पहले. ये मेरे पास छत पर आई और छत पर आ करके मुस्कान हम दीदी के बिना कैसे रहेंगे, दीदी के बिना मेरा कुछ भी नहीं चलता, अब हम दीदी के बिना रहेंगे कैसे, हमको मेरा कुछ भी नहीं चलने वाला दीदी के बिना. इतनी देर मैंने इसे समझाया चुप करना स्वीटी ऐसा कुछ नहीं है, मिल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है. उसका आंसू रुक ही नहीं रहा था कंटिन्यूसली झरझर. अभी बोल रहे हैं इसको थोड़ा आंसू मत गिराना, नहीं मेकअप इसका भी बर्बाद हो जाएगा और दीदी का भी बर्बाद हो जाएगा. वो तो सुबह हो गई अभी लग रहा है. देखो ख्याल में चली गई, ख्याल में चली गई, आंखों में आंसू भी आ गए. यार इमोशनल हो गई है. तो बारात आना बाकी है, इसने मेकअप करवाया है मेकअप आर्टिस्ट से और ये ऐसा मुंह बनाएगी कहाँ जाएगा इसका मेकअप. इधर देखिए ये तीनों फ्रेंड्स का आधे रात में गुपचुप पार्टी चल रहा है. सलोनी अकेले खाएगी ये लोग अकेले क्यों खाएगी, मैं भी खाऊंगी. दीदी प्यार छीन के ले गए. काफ़ी टेस्टी है गाइस. यहाँ पे आइसक्रीम के साथ साथ काफ़ी सारी बातें भी हो रही है और ये अंकल सबके लिए आइसक्रीम खाते आइसक्रीम आइसक्रीम डे टेस्टी आइसक्रीम डिलीशियस आइसक्रीम. हियर इज माय डिलीशियस आइसक्रीम. प्रीति दीदी आज आपका शादी है, आज लास्ट डे है ये कुआरा पंथी का, कल से आप शादीशुदा हो जाएंगे तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत दुख भी हो रहा है कि आज मेरा कुआरा पंथी का लास्ट.
लेकिन ठीक है, अच्छा भी लग रहा है यार। चलो ठीक है, सबके लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में भी है। चलो सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग, डर सब लग रहा है अभी फिलहाल। और बाराती तो नीचे आ भी चुका है, इसीलिए तो डर लग रहा है थोड़ा सा। फूफा जी आएंगे, आपको ले जाएंगे। हाँ, घर का थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं अब थोड़ा लाइफ का नया एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या क्या होगा, नहीं होगा। सेकेंड चैप्टर अब एक खुला है, पहला चैप्टर मतलब जो था, अब थोड़ा सा लाइफ थोड़ा और चेंज होने जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा बढ़ेगा लाइफ में, पहले था खुद का इंडिपेंडेंट लाइफ, उतना नहीं सोचना, सिर्फ खुद का पढ़ाई करियर। अभी तो पता नहीं, देखते हैं करियर में तो आप कर लीजिएगा, वो तो मालूम है। वैसे आज आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल एक डॉल दिख रही हैं आप। थैंक यू सो मच। तो फूफा जी आ चुके हैं, यहाँ पे वरमाला होगा अभी, तो हम लोग वरमाला के लिए इधर बैठे हुए हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हैं। अभी मेरी मम्मी भी वहाँ पर परछावन कर रही है बाकी सारी लेडीज़ के साथ। देखिए हमारे यहाँ परछावन ऐसे होता है, दिस इज़ बादाम से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है गाइस। तो कुछ ऐसे हुई मेरी घर पे मेरी फुआ कम दीदी की शादी की सेलिब्रेशन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज़। टिल देन सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।